अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो या फिर आप एक नेटो मार्केटर हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक प्रॉब्लम होगी कि सर मेरे पास लीड्स नहीं आ रही। आप हजारों ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुके हो, यूट्यूब पे कई वीडियोस देख चुके हो, तब भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि लीड्स मेरे पास नहीं आ रही। मैंने व्हाट्सअप भी ट्राई कर लिया, गूगल भी ट्राई कर लिया, हर चीज़ कर ली सर, पर अब क्या करूँ। अगर आप इस वीडियो तक आ गए और उस वीडियो को अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया, तो आपको आज के बाद लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली सिखाने वाला हूँ कि कैसे मेरी टीम में लोग हजारों लीड जनरेट करके महीने का 5 लाख से लेकर 10 लाख 15 लाख तक भी कमा रहे हैं। तो आप 1 लाख तो कमा ही लोगे, पर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं रील्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स, रील की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपने अगर फॉलो कर ली आपकी रील्स में, तो आपकी रील वायरल भी जाएगी और उस वायरल रील से आपके पास लीड्स आना भी स्टार्ट होंगी। अब मैंने रील्स क्यों कहा आपसे, ऐसा इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंस्टाग्राम पे है, और इंस्टाग्राम पे भी नहीं, इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। तो अगर आप रील्स पर नहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिस कर रहे हो। ट्रैफिक का क्या मतलब हुआ? ट्रैफिक का मतलब हुआ बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें बिजनेस बताओ अपना, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है, जिस भी कंपनी से आप वो प्लान जानना चाहते हैं। पर इशू क्या है कि आपको सही तरीका ही नहीं पता है कि उन तक पहुंचना कैसे है। अब रील्स आप डाल तो रहे हो, अब हो सकता है कि आप रील डाल रहे हो, पर आप बस इस भरोसे चल रहे हो कि 1000 में से 1 रील तो मेरी वायरल चली जाएगी। ऐसे नहीं चलेगा, जिंदगी निकल जाएगी रील डालते डालते। इसके भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जो अगर आपने फॉलो नहीं किए तो आपके पास लीड्स नहीं आएंगी। और इस वीडियो में एग्जैक्ट यही सिखाने वाला हूं कि आपको क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, और अगर आपने स्टेप्स फॉलो करी डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब मैं आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास रेवेन्यू कैसे आएगा, पैसे आते कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है आइकॉनिक, और आइकॉनिक सेल होने पे सिंगल जो इनकम होती है वो होती है 7000 रुपीज की। और अगर मान के चलो आपने 30 डेज में, जस्ट 30 डेज की बात कर रहा हूं, आपने 30 डेज में मात्र 36 सेल्स अगर क्लोज कर ली, तो आप 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम अर्न कर पा रहे हो, एज यू कैन सी हियर। तो आपके पास सबसे पहले स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होना चाहिए, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। और अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने चीजें दी हुई हैं, आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आगे। सीक्रेट ऑफ वायरल रील, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर ये गलतियां कर दी तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं तुम्हारी ग्रोथ का। अब फॉलो करोगे तो होगा, जो चीजें बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तो मैं हूं, पर जो मैं कह रहा हूं नहीं करने को वो गलती करोगे तो कोई तो मतलब ही नहीं है ना। तो इन चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहला, डू नॉट कॉपी पेस्ट अदर कॉन्टेंट, दूसरों का कॉन्टेंट उठा के अपनी प्रोफाइल पर डालना बंद कर दो। इससे तुम्हारी वीडियो पर रिव्यूज नहीं आएंगे, रीच नहीं आएगी। इंस्टाग्राम को पता है, इंस्टाग्राम को अब AI चलाता है, AI को हर चीज पता होती है कि इसका खुद का कॉन्टेंट है या दूसरे का उठा के डाला है, तो इसमें आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरा, नेवर बाय फेक फॉलोअर्स और फेक एंगेजमेंट। कई लोग क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए कि लीड मेरी प्रोफाइल पे आए, उसको लगे कि मैं बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हूं, तो वो फेक फॉलोअर परचेस कर लेते हैं। अब यहां से होता क्या है कि आपके फेक फॉलोअर्स के कारण इंस्टाग्राम उस आईडी को डेमो आईडी मान के या फिर ऐसे शैडो आईडी मान के कि ये फेक फॉलोअर्स ले रहा है, इसकी आईडी को कोई मतलब नहीं है ग्रो कराने का, इंस्टाग्राम आपकी रीच डाउन कर देता है। नेवर ब्रेक योर कंसिस्टेंसी। अगर आपने इस वीडियो के बाद डिसाइड कर लिया कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा तभी आपको रिजल्ट आएंगे। आप मान के चलो आपने आज एक वीडियो डाली फिर 1 हफ्ते आप गायब हो गए, आपने कल एक वीडियो डाली फिर आप 2 हफ्ते गायब हो गए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। नेवर यूज रॉन्ग वोकैबुलरी, आपको गलत वोकैबुलरी यूज नहीं करनी है अपनी वीडियो में, कैप्शन में, टेक्स्ट में, कहीं पर भी। नेवर एंगेज विद पॉलिटिक एंड सेंसिटिव कॉन्टेंट, आपको पॉलिटिक कॉन्टेंट पर नहीं एंगेज करना है। एज ए बिजनेस ओनर मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ, मेरी हजारों की टीम है, राइट, मैं उनको ग्रो कराता हूँ, तो मुझे पता है उनके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो आप पॉलिटिकल कंटेंट और जो सेंसिटिव कंटेंट होता है उस पर मत जाओ, उस पर बिल्कुल कंटेंट मत बनाना, बेफिजूल के कंट्रोवर्सी में पड़ोगे और गलत ऑडियंस आ जाएगी। गलत ऑडियंस आई तो वो ऑडियंस ना आपके काम की रहेगी, बस टाइम वेस्ट होगा, जंक लीड्स आ जाएंगी आपके। उसके बाद आ जाता है नेवर पोस्ट इमेच्योर कंटेंट। इमेच्योर कंटेंट पोस्ट मत करो कि कोई भी बच्चे बचकानी कार्टून की रील अपलोड कर रहे हो, कुछ भी रील लगा दे रहे हो। कहीं मैं देखता हूँ आज के टाइम पे वायरल होने के लिए हुक में किसी भी लड़की को यूज कर लेते हैं, वो चीज करना मुझे नहीं लगता पर्सनली सही, क्योंकि आपकी इज्जत है, आप अपनी इज्जत बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए, ना कि चंद रुपये कमाने के लिए आप किसी भी लेवल का कंटेंट क्रिएट करो। तो इमेच्योर कंटेंट हमें क्रिएट नहीं करना है। उसके बाद
आपके जो यूजर नेम है उसमें अर्न नहीं होना चाहिए। आप ट्राई करो कि जैसे कई लोग लेते हैं ना अर्न विद अनीता या फिर वट एवर जो भी नाम होते हैं, आपको अर्न विथ नहीं लगाना है, डिजिटल विथ नहीं लगाना है, एफिलिएट विथ नहीं लगाना है, इन जैसे आपको टेक्स्ट यूज नहीं करने हैं। ऑल्सो आपको जो बैंड टेक्स्ट है, मतलब कुछ ऐसे हैशटैग हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इंस्टाग्राम पे बैन हैं, हो सकता है मेक मनी हो, वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो, क्रिप्टो हो, ऐसे अलग अलग टाइप के कुछ हैशटैग है वो बैन है, तो वो यूज मत करना वीडियो में। अगर आपने वो यूज करे तो आपने नोटिस करा होगा कई लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो जाते हैं और हो सकता है आपका भी अकाउंट बैन हो जाए, तो ये चीज आपको नहीं करनी। अवॉइड एंगेजमेंट ग्रुप्स, कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उन ग्रुपों से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे और हमारे पास इतना वक्त नहीं है उस चीज को करने के लिए। अब आ जाते हैं डूज के ऊपर, जो आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले नीश आइडेंटिफिकेशन करना है आपको, और ऐसी नीश आपको फाइंड करनी है जो इस किसी भी कैटेगरी में डोमिनेट कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बिना नीश के आप कंटेंट डालोगे, कभी मोटिवेशनल डाल रहे हो, कभी सेल्स सिखा रहे हो, तो कभी आप एस्ट्रोलॉजर बन जा रहे हो, कभी आप मार्केटिंग सिखा रहे हो, तो ऐसे में इंसान भटक जाएगा, आपके पास एक ऑडियंस नहीं आएगी। अब मैं ऑडियंस आने का क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हीं को तो आप क्लाइंट बनाओगे ना, जो आपके पास ऑडियंस आ रही है वो उसी को तो आपको आगे क्लाइंट बनाना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हो तो आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए? आपको ये सिखाना है कि वीडियो एडिटिंग कैसे करी जाती है, वीडियो एडिटिंग के क्या नियम होते हैं, क्या क्या बारीकी है जो वीडियो एडिटिंग में आपको करना है। इससे क्या होगा, आपके पास वो ऑडियंस आएगी जो वीडियो एडिटिंग कर रही है या सीखना चाहती है। सीखना चाहती है तो आप उसको अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हो, और जो ऑलरेडी कर रही है तो वो आपको एज अ फॉलोअर्स का काम करेगी, एंगेजमेंट करेगी आपके कंटेंट से। अगली चीज आ जाती है, पोस्ट डेली एज अ बिगिनर एटलीस्ट 30-45 डेज। आपको एज अ बिगिनर डेली कंटेंट पोस्ट करना है, एटलीस्ट 45 डेज तक तो डेली कंटेंट डालना है। उसके बाद इसकी मतलब नहीं कि आप कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दो, उसके बाद भी कंटिन्यू डालना है, पर 45 दिन तक एज ए बिगिनर डेली डालना है। प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर एंड बायो, ऐसा ना हो कि आपकी प्रोफाइल यूं लगी हुई है, आप उस तरफ मुंह कर रहे हो, ये प्रोफाइल नहीं चलेंगी। आप एज ए बिजनेस ओनर हो तो आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, जब सामने वाला आपकी प्रोफाइल देखे तो एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आंखों में। तो जब आपकी फ्रंट फेस डीपी होती है स्माइल के साथ, तो वो बहुत अच्छा रैपो बिल्ड करती है। और आप ट्राई करो कि अपनी प्रोफेशनल बायो रखो और प्रोफेशनल डीपी रखो। बायो का मतलब जो भी आप अपने प्रोफाइल के नीचे एक सेक्शन आता है उसमें लिखते हो। यूजर नेम शुड बी सिंपल, इजी टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब आपका यूजर नेम सिंपल होना चाहिए। कई लोग क्या कुछ भी है नेम लिख देते हैं, स्मार्ट बॉय अतुल, ठीक है, चॉकलेटी बॉय आर्यन, ये सब नहीं रखना है। आप जितना सिंपल हो पाओ, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखो, रणवीर अलावादिया हो गए, राज शमानी हो गए, ऐसे कई इन्फ्लुएंसर हो गए जो अपना नाम बहुत ईजी रखते हैं जिससे उनको रिमेंबर किया जाए। जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम अमन उपाध्याय है, तो अमन उपाध्याय नाम के और भी लोग थे, तो मैंने दी लगा दिया, बस सिंपली दी लगा दिया, ना अंडरस्कोर ना डॉट कुछ भी नहीं, जितना सिंपल हो पाए। दी लगाने से वो बस इकलौता अकाउंट था इंस्टाग्राम पे। अब आप दी अमन उपाध्याय सर्च करोगे तो मैं ही मिलूंगा। तो ये आइडेंटिटी आपको क्रिएट करनी है, तो इजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज गुड क्वालिटी माइक, आपको माइक अच्छा यूज करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर इसी वीडियो में मैं वीडियो क्वालिटी कम कर दूं, जैसा अभी आपको कम दिख रही होगी, पर मेरी आवाज सही दिख रही है, तो आप वीडियो पूरी देख रहे हो। अब सेम मैं अगर आवाज में ऐसा खरखर खरखर कर दूं और वीडियो क्वालिटी अच्छी रखूं, तो आप वीडियो पूरी नहीं देख पाओगे। तो वॉइस बहुत मैटर करती है, ऑल्सो वीडियो क्वालिटी भी मैटर करती है। तो वीडियो क्वालिटी के लिए आप दो चीज कर सकते हो। पहला, आप सनलाइट में शूट करो, जब सुबह सुबह सूरज की किरणें आती हैं 11 बजे से लेके 3-4-5 बजे तक की, उसमें शूट करो बढ़िया। वो भी नहीं है तो एक रिंग लाइट परचेज कर लो, 3-4 हज़ार की बहुत अच्छी आ जाती है। इन दो चीज़ों से आपका काम इजिली शुरू हो जाएगा। यूज रेलिवेंट कीवर्ड रिलेटेड टू योर नीश, आपको आपकी नीश से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करने हैं अपनी वीडियो में। अब फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो है ग्राफिक डिजाइनिंग की, कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं, कैनवा को कैसे यूज करते हैं, फोटोशॉप को कैसे यूज करते हैं, तो आपके कीवर्ड भी उसी से रिलेटेड होंगे। और आपको नहीं आता ये चीज करना, तो सिंपली चैट जीपीटी से बोल दो, वो करके दे देगा। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, हैशटैग होना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, और कुछ ट्रिक्स होंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां तक है वो चीजें जो आपको फॉलो करनी है। डोंट वरी, अभी खत्म नहीं हुई वीडियो, बहुत कुछ बाकी है। मैं जब भी ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ ना, तो मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट हमारी कंपनी में 2-2.5 घंटे 3 घंटे की मिनिमम है। और हाईएस्ट ट्रेनिंग मेरी होती है कि मैं 9 बजे से चालू करता हूँ, सुबह के 5 बजे स्टूडेंट्स को छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उनका करियर इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है उनके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको भी इन सब चीज़ों का पार्ट बनना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप टीम से कॉन्टैक्ट करो, वो भी आपको गाइड करेंगे। चलते हैं आगे।
अब कंटेंट एल्गोरिथम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जो एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम की, जो एल्गोरिथम हम सुनते हैं कि एल्गोरिथम हमारा साथ नहीं दे रही, वो कंटेंट बांटती कैसे है, इसको थोड़ा समझते हैं। आपने कंटेंट पोस्ट किया, कंटेंट पोस्ट करने के बाद समझ लो एक आदमी है जो आपका कंटेंट अलग 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 जगह भेजता है। अब ये कंटेंट होता कैसे, इसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज बांटे गए हैं। अब वो क्राइटेरियाज क्या है, वो क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, एल्गोरिथम सिर्फ सेट ऑफ कोड्स है। मतलब उसने कुछ कोड सेट कर दिए और अगर आपकी रील उन कोड से मैच हो जाती है तो वो वायरल हो जाएगी, अगर कोड से मैच नहीं करती है तो वायरल नहीं होगी। हम मान के चलो उसने कुछ सेट ऑफ कोड बनाए, कोड वन, कोड टू, कोड थ्री। कोड वन में क्या है, इसकी रील यार अच्छी लग रही है, एंगेज कर रहे हैं लोग, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चलो वायरल कर देते हैं। दूसरा यार इसने रील अपलोड करी पर किसी ने लाइक ही नहीं करा, कमेंट ही नहीं आ रहा, 4 घंटे हो गए, डाउन कर दो इसकी रीच। तीसरा इसकी रील में धीरे धीरे लोग एंगेज कर रहे हैं, 1 घंटे में 4-5 लोगों ने शेयर करा, 10 कमेंट आए, धीरे धीरे रीच देते हैं। ऐसे मान के चलो 3 कोड है, अब किसी एक में भी फॉल करी आपकी वीडियो तो वायरल हो जाएगी। तो हमें ये ट्राई करना है कि हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के हिसाब से चले। एल्गोरिथम के हिसाब से चलने का क्या मतलब, आपकी वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो शेबेबल हो, जो शेयरेबल हो, जो सेव हो रही हो, मतलब लोग उस वीडियो को सेव करें, दूसरा शेयर करें। आपने देखा होगा ना इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों को भेज दो अगर आप भी पास होना चाहते हो, तो इस तरीके की कई वीडियोस आती हैं। तो वो क्या है, वो एंगेजमेंट का एक तरीका है। पर अब यहां पर आ जाता है मेन कैच, ऐसा क्यों, क्योंकि एल्गोरिथम तो बहुत टाइप्स की होती है, एल्गोरिथम को समझना सबसे टफ है। अगर कोई पर्सन आपसे ये कह रहा है कि मैंने एल्गोरिथम क्रैक कर ली, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। एल्गोरिथम हर 2 महीने में चेंज हो जाती है, यूजर बिहेवियर हर 2 महीने में चेंज हो जाता है। जो मैं आपको अभी चीजें बता रहा हूं, यही चीजें मैं वर्कशॉप में 10-15 हज़ार रुपए दे के बताता हूं, तो आपको तो मैं फ्री में बता रहा हूं, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। अब एल्गोरिथम होती कैसे है, अब 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी वीडियो वायरल कराने के लिए। कैसे, रील पे व्यूज कैसे आएंगे, जब वो वीडियो नए यूजर तक जाएगी, नई ऑडियंस तक जाएगी। एक का नाम है अतुल और एक का नाम है विशाल, मान के चलो विशाल ने वीडियो अपलोड करी, अब विशाल की वीडियो वायरल कैसे जाएगी, वो वायरल तब जाएगी जब विशाल की वीडियो अतुल के एक्सप्लोर पेज पे क्लिक करेगी। अब मान के चलो अतुल के एक्सप्लोर पेज पे शो हो गई उसकी वीडियो, अब वीडियो कैसे वायरल जाएगी, जब अतुल उस वीडियो पे क्लिक करेगा। अब अगर अतुल उस वीडियो पे क्लिक करता है और उस वीडियो को पूरा देख लेता है, तब तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी वीडियो वायरल जाएगी। पर अतुल ने उस वीडियो पे क्लिक करा और अतुल को पसंद नहीं आया, अतुल ने स्किप कर, और जैसे ही उस वीडियो की रीच गिरी, उस वीडियो पे व्यूज आना बंद हो जाएंगे। तो क्या समझ आता है इससे, तो इससे समझ ये आता है कि यूजर का क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर का टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर का एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइक करना और शेयर करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, आपको 2 तो समझ आ गया कि एक्सप्लोर पेज एल्गोरिथम कैसे काम करती है, और अब आ जाता है सर्च इंजन एल्गोरिथम। सर्च इंजन का मतलब मान के चलो अगर आपका फिटनेस कॉन्टेंट है, आप फिटनेस पे कॉन्टेंट डालते हो, तो फिटनेस पे कॉन्टेंट डालने के टाइम आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स डालने हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना, कीवर्ड्स लिखना है चैट जीपीटी से, वही कीवर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। आपका कंटेंट अगर फिटनेस रिलेटेड है तो फिटनेस के कीवर्ड्स लिख दो, 30 कीवर्ड्स निकाल लो, सारे डाल दो। जब अगर कोई वो कीवर्ड सर्च करेगा, फिटनेस लिखेगा, ऐप्स लिखेगा, वर्कआउट लिखेगा, वर्कआउट होम लिखेगा, डाइट लिखेगा, तो आपका कंटेंट दिखना चाहिए। ये होता है सर्च एल्गोरिथम। तो आपको दोनों एल्गोरिथम बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी वीडियो वायरल कराने के लिए। अब आ जाते हैं कि एक्सप्लोर पेज एल्गोरिथम काम कैसे करता है। सर्च इंजन एल्गोरिथम काम करता है सिंपली CTA के ऊपर, क्लिक थ्रू रेट के ऊपर वो काम करता है। अब कैसे, जब आप अपनी वीडियो में कैप्शन के ऊपर कीवर्ड्स लिखते हो, कैप्शन में कीवर्ड डालते हो, पहली चीज, दूसरा आप थंबनेल अच्छा डालते हो, तीसरा आप उसमें CTA अच्छा देते हो, चौथा आप उसमें हुक अच्छा देते हो, तब जाके एक वीडियो कंप्लीट होके वायरल होती है। हुक का मतलब होता है जब हम मछली को दाना डालते हैं ना, दाना फंसा के डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, उसको हुक कहा जाता है। ऐसे ही आपको रोक के रखना होगा अपनी ऑडियंस को। ऐसा क्यों, क्योंकि जब तक वो रुकेगी नहीं तो कंटेंट वायरल नहीं जाएगा। और मिनिमम जो किसी पर्सन का टाइम है किसी वीडियो पर रुकने का, वो 3-5 सेकंड का ही है। अगर आपने 3-5 सेकंड में रुक लिया तो वो आपकी पूरी वीडियो देखेगा। तो आपने नोटिस करा होगा कई लोग स्ट्रांग हुक यूज करते हैं, किसी को गिरते हुए दिखाते हैं, कोई फुटबॉल ऐसी मारता है तो हमें लगता है वो नेक्स्ट क्लिप में उसको फुटबॉल गलेगी, तो ये हुक है, इसको हुक कहा जाता है। दूसरा रोल जो उस वीडियो के ऊपर दिख रहा होता है, जब हम वीडियो देखने से पहले देखते हैं ना कि कुछ पिक्चर बनी होती है, कुछ बना होता है उस वीडियो के ऊपर, उसको थंबनेल कहा जाता है। और जब ये दोनों ही चीज़ें अच्छी होती हैं तब जाके आपकी वीडियो वायरल जाती है।
ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रील वायरल करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, पार्ट टू का वेट करना। इस वीडियो का मैं पार्ट टू जरूर लेकर आऊंगा। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक और 100 कमेंट्स हो जाते हैं तो इस वीडियो के ऊपर भी मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें और इन डेप्थ आपको सिखाऊंगा कि रील वायरल करने का एग्जैक्ट तरीका क्या होता है। तो अगर आप टारगेट पूरा कर देते हो तो मिलते हैं पार्ट टू में। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है। सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि आपकी लर्निंग ना रुके और आप अपनी कंपनी के नेक्स्ट टॉप अर्नर बन पाओ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वी आर ग्रोथ एक्टेड, जिद है तो जीत है।